अद्भुत उत्साह, प्रकृति के प्रति समर्पण, विश्वास और साक्षात ईश्वर के आराधना का महापर्व छठ आज भक्ति एवं उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम छठ व्रत करने वाले भक्तों द्वारा छठ व्रतियों के द्वारा डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर महाछठ पूजा का प्रथम पहर की पूजा संपन्न हुई। अंबिकापुर शहर के शंकर घाट, घुनघुट्टा नदी, शिवधारी तालाब, केना बांध, हरकेवल दास तालाब, मौलवी बांध तालाब सहित शहर के अलग अलग हिस्सों में स्थित तालाबों में छठ व्रत करने वाले भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी। कोई दंडवत प्रणाम करते हुए छठ घाट की ओर चला आ रहा था तो कोई गाजे बाजे के साथ सूर्य देव को ध्यान कर घाट की ओर बढ़ रहा था। आत्मीय उत्साह, अपनी संस्कृति परंपराओं को संजीदा रखने वाले इस व्रत को लेकर भक्तों में अपार श्रद्धा एवं भक्ति देखी जा रही थी। कोई सिर पर छठ पूजा के सारे सामान लेकर चले आ रहा था तो कोई गन्ने के बंडल को लेकर घाट की ओर चले आ रहा था। घाट पर पहुंचकर छठ व्रतियों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर खुद के द्वारा तैयार किए गए मिट्टी के थाले के सामने बैठकर दीपक अगरबत्ती जलाकर मंडप सजाकर भगवान सूर्य की आराधना एवं पूजा की जा रही थी। इस छठ व्रत का समापन कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर हवन पूजन के साथ संपन्न होगा। प्रकृति के पूजा का अनोखा एवं महापर्व छठ को लेकर पूरे जिले में उत्साह का माहौल है। अपने परिवार की संपन्नता, खुशहाली एवं निरोग की कामना के साथ यह व्रत न सिर्फ उत्तर भारत में बल्कि अब समूचे देश में होने लगा है। इस महापर्व के आयोजन हेतु दीपावली के पहले से ही तालाबों, नदियों के किनारे तैयारी शुरू कर दी जाती है और छठ आयोजन समिति द्वारा छठ घाटों पर छठ व्रतियों के लिए रात्रि विश्राम को देखते हुए समूचा प्रबंध किया जाता है। वहीं छठ पूजा पर होने वाले भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सजग रहती है और छठ घाटों पर चाक चौबंद व्यवस्था रखती है ताकि उत्साह का यह माहौल खराब न हो और सभी अच्छे से पूजा अर्चना कर सकें।